गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सब मज़े में हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के सागर ऑफिशियल में। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं, क्योंकि आज कुछ डिपार्टमेंट में 503 वैकेंसीज निकली हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इन सब डिपार्टमेंट में 503 वैकेंसीज निकली हैं, और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो भी भाई इस चैनल पर नया है तो चैनल को पहले यहाँ पर कर दो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस चलो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड www.jkssb.nic.in। यानी गाइस ये जो रिक्वायरमेंट कर रहा है तो JKSSB एक बार फिर से कर रहा है, और एडवर्टाइज नंबर ये है, डेट ये है। उसके बाद गाइस अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए एडवर्टाइज फॉर द डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एंड यूटी क्रेडिट पोस्ट फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट एक्ट 2010 द रूल्स मेड देयर अंडर रीड द अदर रेलिवेंट रूल्स गवर्नड बाई द सब्जेक्ट। यानी गाइज ये जो वैकेंसी निकली हैं डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी क्रेडिट पर निकली हैं। आप नीचे देखिए यहाँ पे दूसरी गाइज आज बात की है रेफरेंस रिक्विजिशन ऑफ पोस्ट वैकेंसी रिसीव्ड फॉर वेरियस इंटेंडिंग डिपार्टमेंट पर एज पर डिटेल बिलो। अब नीचे डिटेल दी हुई है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं, अभी हम सबको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे गाइस यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, रेफरेंस ऑफ आइडेंटिटी, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पे आता है गाइज हमारे पास नंबर वन पे फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें वैकेंसीज निकली हैं 280। उसके बाद बात करते हैं नंबर टू पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसमें जो गाइज वैकेंसीज निकली हैं वो हैं 200। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट गाइज हमारे पास है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 4 हैं। इसके बाद नीचे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसमें जो गाइज वैकेंसीज हैं वो 19 है। तो टोटल जो गाइज वैकेंसीज हैं वो 503 वैकेंसीज हैं। अब इसकी बात करते हैं लास्ट डेट कब है। देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/6/2021 से फॉर्म लगने शुरू हो चुके हैं, और इनके जो गाइज लास्ट डेट है वो है 20/7/2021 को, यानी 20/7/2021 को इसकी लास्ट डेट है। करते हैं एक बार फिर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर आप पोस्ट जो यहाँ पे दी हुई हैं गाइजाइज हुई हैं तो वो हैं 503। इसके बाद नीचे क्या है गाइज, इसमें सबसे पहले आपको बोला गया अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स, इसको अच्छी तरह से आप रीड करना वीडियो को पास करके। इसके बाद नीचे गाइज दूसरा जो है डोमिसाइल, इसको भी आप यहाँ पे पास करके आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद गाइज नीचे वैकेंसीज की बात जो की गई है यहाँ पे, तो यूटी डिविजन डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट वाइज डिटेल नोटिफाई पोस्ट आप गिवन एनेक्सर 1A, एज लिमिट 1/1/2021। इसके बाद गाइज नीचे ये एक पैरा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ गाइज, यहाँ पे दिया गया है सीरियल नंबर, कैटेगरी, एज लिमिट नॉट बर्न बिफोर एंड नॉट बर्न आफ्टर। OM में क्या है गाइज, एज लिमिट जो 40 है, SC में 43, ST 43, RBA 43, ALCIB 43, EWS 43, PSP 43, सोशल कास्ट 43, फिजिकल चैलेंज्ड पर्संस 42, एक्स सर्विस 48, गवर्नमेंट सर्विस 40। तो ये सारा एज रेशो है गाइज यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, देखिए फी पेएबल 350, RS 350 ओनली, यानी 350 रुपये जो इसकी गाइज फीस है। और ये जो सारा है गाइज ये ऑनलाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड और सम रिजेक्टेड। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप नहीं नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और ये ऑन फॉर्म जो लगने हैं ऑनलाइन ही लगेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करें।